हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप सभी स्टूडेंट्स का नव भारती परिवार और मेरी अकाउंट्स की क्लास के अंदर हार्दिक स्वागत करता हूं। रनिंग चैप्टर इज एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक नए साझेदार का प्रवेश। पिछले वीडियोस के अंदर नए साझेदार के प्रवेश के ऊपर ख्याति का जो मूल्यांकन है, जो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, वह कौन कौन सी विधियों से किया जाता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा। जब भी नया साझेदार आता है तो कैपिटल के साथ साथ वो अपने हिस्से की गुडविल उसको लानी पड़ती है। कैपिटल इसलिए लाता है क्योंकि वो फर्म की एसेट्स के अंदर पार्टिसिपेट करेगा, संपत्तियों में हिस्सा लेगा और अपने हिस्से की ख्याति इसलिए लाता है कि भविष्य के अंदर होने वाले लाभों के अंदर भी नया साझेदार हिस्सा लेता है, पार्टिसिपेट करता है प्रॉफिट्स के अंदर भी। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट एडमिशन, नए साझेदार के प्रवेश के ऊपर ख्याति का लेखा। नया पार्टनर आएगा, अपने हिस्से की गुडविल लेके आएगा, उसका लेखा कैसे किया जाएगा, उसके लिए क्या जर्नल एंट्रीज की जाती है, किस रेशो के अंदर की जाती है, ये सब चीजें अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, ए और बी मान लो दो पार्टनर हैं, 3:2 के अंदर, 3:2 के अंदर ये अपना प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। एक नया पार्टनर आता है C4 1/4, सी को एडमिशन दिया गया 1 जनवरी 2020 को, यानी कि करंट ईयर के अंदर। जैसे ही वो आएगा तो वर्ष के अंत में जो भी प्रॉफिट होगा उसके अंदर से वो 1/4 हिस्सा प्रॉफिट का लेगा। फर्म को एस्टेब्लिश किसने किया, ए और बी ने। हार्ड वर्क किसने किया, ए और बी ने। जब इन्होंने फर्म स्टार्ट की थी तो ये यंग एज में थे, और जब सी को एडमिशन दिया 10 साल बाद में, तो सी को तो आते ही 1/4 1/4 लाभ के अंदर हिस्सा मिल जाएगा। तो ए और बी इसको कहेंगे कि भैया सी, तेरे को 1/4 हिस्से की गुडविल लानी पड़ेगी, हमारी फर्म की गुडविल, हमारी प्रतिष्ठा हमने बनाई है हमारे बिहेवियर से, हमारी क्वालिटी से। तो ख्याति का मूल्यांकन किया जाएगा, कौन सी विधि से मूल्यांकन किया जाएगा, यह पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है। चाहे वो औसत लाभ विधि हो, चाहे भारित औसत लाभ विधि हो, चाहे अधिलाभ विधि हो, जो विधियां अपन ने पढ़ी उसमें से किसी भी विधि से ख्याति का मूल्यांकन कर लिया जाएगा। ख्याति का मूल्यांकन, द गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख। ख्याति का मूल्यांकन कितने के ऊपर किया गया, 2 लाख रुपए के ऊपर ख्याति का मूल्यांकन किया गया। 2 लाख रुपए की गुडविल में सी का हिस्सा कितना है, 1/4, 4×20, 50,000 रुपए 1/4 हिस्से की इसकी गुडविल बनती है। तो सी जो अपनी गुडविल लाएगा, गुडविल की जो अकाउंटिंग है दो कंडीशन में की जाती है, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नकद में लेके आता है तो जर्नल एंट्रीज या अकाउंटिंग कैसे होगी, और सेकेंड जब नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नकद में लाने में असमर्थ होता है, व्हेन द न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग इन हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, यदि नकद में लाने में असमर्थ है तो गुडविल की एंट्रियां कैसे की जाएगी, किस रेशो के अंदर की जाएगी, इसको अपन अभी
एक एग्जांपल की हेल्प से समझने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। एक्स और वाई 3:2 के अंदर पार्टनर थे, इन्होंने जेड को 1/4 के लिए एडमिशन दिया। जिस दिन एडमिशन दिया उस दिन एक्स और वाई की बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड के अंदर गुडविल 1,50,000 रुपए के ऊपर दिखाई गई थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों को बताया था गुडविल दो तरह की, एक तो जनरेटेड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और एक परचेज्ड गुडविल। ये कौन सी गुडविल है? ये जनरेटेड गुडविल है जो किसने जनरेट करी? एक्स और वाई ने अपने एफर्ट्स से, अपने हार्ड वर्किंग से, अपने बिहेवियर से इन्होंने ये जनरेट की, इन्होंने खरीदी नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है कि जनरेटेड गुडविल कांट बी शोन इन द बुक्स। आप जनरेटेड गुडविल को बुक्स के अंदर नहीं दिखा सकते हो। तो स्टूडेंट्स, एक चीज का आपको ध्यान रखना है, चाहे चैप्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर हो, चाहे रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर हो, चाहे डेथ ऑफ ए पार्टनर हो, यदि एग्जिस्टिंग गुडविल पहले से, यदि बैलेंस शीट के अंदर पुरानी फर्म के अंदर यदि गुडविल दिखाई हुई है तो इसको राइट ऑफ करेंगे। सबसे पहली एंट्री, यदि एग्जिस्टिंग गुडविल क्वेश्चन के अंदर दी हुई है तो इसको राइट ऑफ करेंगे। हिंदी के अंदर इसको अपलिखित करना बोलते हैं, यानी कि इस गुडविल को फिनिश कर दिया जाएगा। गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। जैसे ही हम इसको राइट ऑफ करेंगे या यहां से फिनिश करेंगे या समाप्त करेंगे तो एसेट्स कम हो जाएगी, और एसेट्स कम हो जाएगी तो स्टूडेंट प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्या होगा? बट नेचुरल लॉस होगा। अब कॉमन सेंस की बात है कि इस लॉस को कौन बियर करेगा? जेड तो नया पार्टनर है, वो तो इस लॉस को बियर करेगा ही नहीं, सहन करेगा ही नहीं, इसलिए इस लॉस को ओल्ड फर्म बियर करेगी। ओल्ड फर्म यानी एक्स और वाई 3:2। ध्यान से सुनेंगे, ओल्ड फर्म के अंदर, ओल्ड रेशो के अंदर ये गुडविल सबसे पहले राइट ऑफ करेंगे तो जनरल एंट्री क्या होगी? फर्स्ट जनरल एंट्री ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डीआर, वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर और टू गुडविल। गुडविल बैलेंस शीट में कितनी दिखाई हुई है? 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए की गुडविल को ओल्ड फर्म, ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। 5 3 जा 30,000 से यह कट गया, 30,000 को 3 से गुना किया तो 90,000 और 30 दूनी 60,000, और ये गुडविल जो 1,50,000 रुपए की है यहां पर इसको हम क्रेडिट कर देंगे। क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि एसेट्स कम हो गई। अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग रूल, एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन, डिक्रीजेस इन द एसेट्स आर क्रेडिटेड एंड इंक्रीजेस इन द एसेट्स आर डेबिटेड। जैसे ही हमने इसको राइट ऑफ किया ये गुडविल डिक्रीज हो गई, इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। इस लॉस को एक्स और वाई अपने ओल्ड रेशो के अंदर बियर करेंगे, इसको सहन करेंगे तो ये पैसा इनके नाम लिख दिया। डेबिट यानी नाम लिखने का मतलब है कि ये जो पैसा है एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के अंदर से डिडक्ट हो जाएगा, इनके कैपिटल अकाउंट के अंदर से कट जाएगा। स्टूडेंट्स, अपन को एंट्री याद नहीं करनी है, एक्स का अकाउंट डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, वाई का डेबिट हुआ तो क्यों हुआ, और गुडविल अकाउंट यदि क्रेडिट हुई तो क्यों हुई। यदि अपन इस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं
तो अपन को अकाउंट समझ में आ जाएगी। तो राइट ऑफ करने की मैंने क्या एंट्री बताई, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट इन विच रेशियो, ऑलवेज रिमेंबर ओल्ड फर्म ओल्ड रेशियो, ओल्ड फर्म ओल्ड रेशियो। अब स्टूडेंट्स ये अपने हिस्से की गुडविल यदि नगद लाता है फर्स्ट मेथड, यदि नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नगद लाता है तो कैसे एंट्री करेंगे, अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसे अभी अपन देखेंगे। गुडविल को राइट ऑफ करने की फर्स्ट जनरल एंट्री अपन ने कर ली, जिस दिन जेड 1/4 हिस्से के लिए आया गुडविल वॉज वैल्यूड एट ₹2 लाख, ख्याति का मूल्यांकन 2 लाख रुपए के ऊपर किया गया क्योंकि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो रहा है। 2 लाख रुपए की गुडविल के अंदर से, 2 लाख रुपए की गुडविल के अंदर से इसका 1/4 हिस्सा 4×5=20, ये ₹50,000 इसके हिस्से की गुडविल बनती है। इसको ₹50,000 लाने पड़ेंगे। अब अपन फर्स्ट मेथड पढ़ रहे हैं, यदि वो अपने हिस्से की गुडविल नकद में लाता है कैश में लाता है तो क्या एंट्री की जाएगी। इसके अंदर 3 पॉइंट्स का अपन ध्यान रखेंगे। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल ₹50,000 मान लो वो नकद ले आया, और नकद लेने लाने के बाद में इस ₹50,000 के अंदर से इसने एक्स की जेब में कुछ पैसा डाल दिया और कुछ पैसा वाई की जेब के अंदर डाल दिया, दोनों के अंदर ₹50,000 उसने निजी रूप से दे दिए, निजी रूप से यानी प्राइवेटली दे दिए। किसको दे दिए, ओल्ड पार्टनर्स को। तो स्टूडेंट्स इसके लिए कोई जनरल एंट्री नहीं की जाएगी। मैं यहां पर लिख रहा हूं नो जनरल एंट्री इज पास्ट, नो जनरल एंट्री इज पास्ट। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल नकद लाया और उसने निजी रूप से यदि पुराने साझेदारों को दे दी तो इसके लिए कोई भी जनरल एंट्री नहीं की जाएगी। अब यदि वो प्राइवेटली नहीं देता है, नकद तो लाता है लेकिन निजी रूप से नहीं नहीं देता है तो एंट्री कैसे करेंगे बोर्ड के ऊपर अभी अपन देखेंगे। अब अपन ये मान के चलते हैं कि जो जेड है अपने हिस्से की गुडविल ₹50,000 नगद ले आया, तो जनरल एंट्री क्या होगी। सेकंड जनरल एंट्री मैं कर रहा हूं कैश या बैंक अकाउंट डीआर, कैश या बैंक अकाउंट डीआर कितना, ₹50,000 अपने हिस्से की गुडविल ये नगद ले आया, कैश अकाउंट डीआर टू, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट कितना, ₹50,000। स्टूडेंट्स कैश या बैंक अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट है, और इसका रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो फर्म के अंदर क्या आया, कैश आया कम्स इन, इसलिए कैश अकाउंट को हमने डेबिट कर दिया ₹50,000 से। आप चाहें तो अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन का रूल क्या था, यदि व्यापार के अंदर संपत्ति बढ़ती है तो डीआर होगी। ये ₹50,000 गुडविल के लेके आया तो संपत्ति कौन सी बढ़ी, कैश बढ़ गया, इसलिए इसको डीआर कर दिया। विद रीजन मैंने आपको बता दिया कि कैश अकाउंट डीआर क्यों हुआ। अब गुडविल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, जब ये ₹50,000 लाया तो फर्म के अंदर ₹50,000 का प्रॉफिट हुआ, लाभ हुआ, इनकम हुई, एंड अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स आर क्रेडिटेड। स्टूडेंट थोड़ा सा डिफरेंस सीबीएसई बोर्ड के अंदर और राजस्थान बोर्ड के अंदर, राजस्थान बोर्ड के अंदर कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट करते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड के अंदर टू प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। एक तरह से ये प्रीमियम है, जो नया साझेदार अपने हिस्से की गुडविल लाता है वो क्या है, प्रीमियम है, यानी कि प्रॉफिट है, बात वो की वही है। तो पहली एंट्री क्या होगी,
कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट। अब स्टूडेंट्स फर्म के अंदर 50,000 रुपए गुडविल के रूप में कैश आ गया, ये 1/4 हिस्सा जो जेड को दिया, ये जो 1/4 हिस्सा, 1/4 हिस्सा जेड को जो दिया वो किसने दिया, एक्स और वाई ने दिया, सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस यानी कि अपने हिस्से के अंदर से इन दोनों ने मिलके इसको कितना प्रॉफिट दे दिया, 1/4 प्रॉफिट दे दिया। यानी कि एक्स और वाई ने जेड के लिए सैक्रिफाइस किया, और जब इन्होंने सैक्रिफाइस किया तो इनको प्रॉफिट कम मिला, और प्रॉफिट कम मिला तो इनको लॉस हुआ। तो बट नेचुरल ये जो लाई गई गुडविल है ये इन ओल्ड पार्टनर्स के बीच में, यानी कि ओल्ड पार्टनर्स ने भी यदि किसी एक ने ही यदि सैक्रिफाइस किया तो एक को मिलेगी, और यदि दोनों ने सैक्रिफाइस किया तो दोनों के बीच में डिवाइड होगी। तो स्टूडेंट्स नए साझेदार के द्वारा लाई गई गुडविल को हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर डिवाइड किया जाता है, चाहे वो अपने हिस्से की गुडविल नगद लेके आए और चाहे वो नगद नहीं लेके आए। गुडविल इज ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सैक्रिफाइसर्स पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइस रेशियो। एंट्री कैसे करेंगे, तीसरी एंट्री जब इस गुडविल को मैं डिवाइड करूंगा तो ये प्रॉफिट कम हो जाएगा फर्म के अंदर से, तो गुडविल को डीआर कर देंगे, गुडविल अकाउंट डीआर यानी कि ये अकाउंट यहां पर बंद हो जाएगा। पहले क्या हुआ था, क्रेडिट हुआ था, अब जब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया तो ये अकाउंट बंद हो गया। तो जैसे ही बंद करेंगे तो इस गुडविल अकाउंट को हम डीआर कर देंगे। अब एक्स और वाई के बीच में सैक्रिफाइस रेशो के अंदर ये डिवाइड होगा। जब मैंने रेशो पढ़ाए थे तो बताया था कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन ओल्ड रेशो ऑफ द ओल्ड फर्म्स इज ट्रेटेड एज देयर सैक्रिफाइस रेशो। यदि क्वेश्चन के अंदर सैक्रिफाइस नहीं दे रखा है तो पुराने साझेदारों का पुराना अनुपात ही उनका त्याग का अनुपात माना जाता है। तो बट नेचुरल ये 50,000 रुपए 3:2 के अंदर, ये 50,000 रुपए 3:2 के अंदर जो इनका पुराना अनुपात है इसके अंदर डिवाइड हो जाएगा। तो मैं एंट्री करूंगा गुडविल अकाउंट डीआर टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। कौन से एंट्री किस रेशो के अंदर करेंगे, ये हमेशा एंट्री सैक्रिफाइस रेशो के अंदर होगी। 5 से इसको काटूंगा, 5 × 50, 10 को 3 से गुना करूंगा तो 10 × 30 और 10 × 20। फर्म इनके अकाउंट में जमा कर देगी, एक्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर 30,000 रुपए जमा कर देगी और वाई के अकाउंट में 20,000 रुपए जमा कर देगी। इनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि एक्स की और वाई की कैपिटल क्या हुई, इंक्रीज हो गई। और अकाउंटिंग रूल के हिसाब से क्या होता है कि जब भी कैपिटल बढ़ती है ओनर की तो ओनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। इसके बाद में कौन सी एंट्री होगी ये अभी अपन देखते हैं। स्टूडेंट जेड जो गुडविल लेके आया 50,000 रुपए, इनके बीच में इनके सैक्रिफाइस रेशो 3:2 के अंदर डिवाइड हो गई थी, 30,000 रुपए इसको मिल गए और 20,000 रुपए इसके खाते के अंदर फर्म ने जमा कर दिए। स्टूडेंट्स कभी कभी ये जो पार्टनर है जिनको गुडविल का पैसा मिला है ओल्ड पार्टनर्स को, ये इस गुडविल को वापस निकाल लेते हैं। वापस निकाल लेंगे तो इस कंडीशन के अंदर अपन को एक एंट्री और करनी पड़ेगी, और यदि वो गुडविल का पैसा कैश में वापस नहीं निकालते हैं तो यहीं तक एंट्री होगी। कौन सी एंट्री होगी, पहली राइट ऑफ करने की, दूसरी नगद में लाने की, कैश या बैंक अकाउंट डीआर टू गुडविल, और फिर गुडविल को बांटने के लिए गुडविल अकाउंट डीआर
टू एक्सिस कैपिटल अकाउंट और टू वाइज कैपिटल अकाउंट, यानी सैक्रिफाइसर्स कैपिटल, सैक्रिफाइसर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। अब यदि मान लो इन्होंने 100% पैसा यदि वापस निकाल लिया, या 50% पैसा वापस निकाल लिया, या 60% पैसा वापस निकाल लिया, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे बोर्ड के ऊपर देखेंगे। मैं ये मान के चलता हूं कि इन्होंने 50% गुडविल वापस निकाल ली। कितनी परसेंट निकाल ली? 50% गुडविल इन्होंने वापस निकाल ली, तो एंट्री की जाएगी एक्सिस कैपिटल अकाउंट डीआर। एक्स ने 50% निकाल ली, एक्सिस कैपिटल अकाउंट 30,000 का 50% कितना होगा? 15,000 रुपए। वाई ने भी 20,000 रुपए के अंदर से 50% गुडविल वापस निकाल ली, तो मैं एंट्री करूंगा वाइज कैपिटल अकाउंट डीआर। वाई के अकाउंट में से कितना पैसा कटेगा? 10,000 रुपए कट जाएगा। और फर्म से कैश कितना गया? बट नेचुरल 50,000 रुपए का आधा कितना होना चाहिए? 25,000। 15,000 इसने निकाल लिए और 10,000 रुपए इसने निकाल लिए, तो यहाँ पर टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट कितने रुपए? 15 और 10, 25,000 रुपए। कैश क्या हुआ? कैश कम हो गया, और जैसे ही एसेट्स डिक्रीज होती है तो एसेट्स का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर अपन ने देखा कि यदि नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल नगद में लाता है तो कैसे कैसे एंट्री की जाती है। सबसे पहले यदि एग्जिस्टिंग गुडविल है उसको राइट ऑफ कर दो। यदि वो प्राइवेटली लाता है उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। प्राइवेटली यदि डिस्ट्रीब्यूट कर देता उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नगद में लाएगा तो कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल, गुडविल को बांटने के लिए गुडविल अकाउंट डीआर टू सैक्रिफाइसर्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। और यदि वो इस गुडविल को वापस निकाल लेते हैं तो सैक्रिफाइसर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर टू कैश अकाउंट की जगह क्या कर देते हैं? टू गुडविल अकाउंट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो एंट्रीज को लर्न करते हैं, याद करते हैं। यदि अपन अकाउंटिंग रूल अप्लाई करके एंट्री पास करेंगे तो स्टूडेंट्स अपने से ये गलती नहीं होगी। इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। यदि आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपने इस वीडियो को देखा और समझा, उसके लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं। इट्स ओवर, दैट्स ऑल।